परम पिता। देखो परमात्मा को पिता कहने से मजा आता है, हा? खाली परमात्मा कहने से या भगवान कहने से फीका फीका लगता है। परम पिता, पिता रिलेशन यानी संबंध दिखाई पड़ता है कि वो हमारे पिता लगता है। तो पिता और पुत्र अथवा पुत्रियां, हाँ, आत्मा के हिसाब से तो सब पुत्र हो गए ना, तो हम है उसकी संतान, वो है हमारे पिता। अभी पिता से बच्चों को क्या लेना चाहिए, हाँ? वो जो हमारे पिता है तो पिता के पास हमारा हक है, हक समझते हो ना, उसके पास हमारा बर्थ राइट इनहेरिटेंस है, जिसको वर्षा कहा जाता है। तो वो हमारे जैसे बच्चे का हक होता है ना बाप के पास जायदाद का, प्रॉपर्टी का, वैसे उस पिता के पास भी हमारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मालूम है, हाँ? वो प्रॉपर्टी है उनके पास स्वर्ग, जिस स्वर्ग के अधिकारी हम बच्चे हैं। वो तो स्वर्ग के, उनको भोगने का दरकार नहीं क्योंकि वो तो स्वर्ग नर्क से ऊपर है ना, लेकिन स्वर्ग को जो हम ही नर्क में आए हुए हैं उनको इस स्वर्ग का अधिकार मिलने का है। तो उस पिता से हमको स्वर्ग का हक मिलना है, वो हमारी जो प्रॉपर्टी है स्वर्ग की वो उस बाप के पास है। तो ऐसे बाप से रिलेशन रखना चाहिए ना, हाँ? रखेंगे तभी तो हमको वो स्वर्ग का अधिकार देगा ना, अगर रखेंगे नहीं संबंध तो कैसे मिलेगा। इसलिए उस बाप से संबंध रखना है और उससे स्वर्ग का अधिकार लेना है। स्वर्ग का मतलब क्या है समझते हो, स्वर्ग माना जिसमें हमारी जीवन सदा सुखी रहे। सदा सुख किसको कहा जाता है, देखो हमको आज दुख किसमें है, हमारे शरीर को रोग होता है तो हम दुखी होते हैं। कोई अकाले मरता है, अकाले समझते हो ना, बिगड़ टाइम में, तो कोई मरता है तो दुख होता है, कोई लड़ाई झगड़े जो भी अशांति के कारण है ये सब होता है तो दुख होता है। लेकिन अगर ये हमारे जीवन में बातें ना होवे फिर तो जीवन अच्छी है ना, हा? कभी रोग ना होवे, हा? और कभी कोई अकाले मरे ना, हमारे मरने जीने का हमारे पास कंट्रोल होवे। कंट्रोल का मतलब हमारे वश की बात होवे, जैसे कपड़े पुराने होते हैं टाइम पर उतारे जाते हैं, वैसे हम टाइम पर शरीर को उतारे और शरीर लेवे, इसका बल हमारे पास होवे, ये सब बातों का हमारे पास बल होवे फिर तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास था, इन्हीं को ही कहा जाता है हमारी जीवन स्वर्ग लाइक थी, अर्थात हम स्वर्गवासी थे, अर्थात हमारी जीवन सुखी थी, ये सब बल हमारे पास था। आप लोग सब सुन सकते हो पीछे वाले, हाँ आवाज नहीं आए तो आगे आ सकते हैं। तो हमारे पास ये स्वर्ग का अधिकार था लेकिन आज नहीं है। तो अभी उस बाप से अभी अपना रिलेशन संबंध रखना है और उससे फिर अपना जन्म सिद्ध अधिकार, ये पवित्रता सुख शांति का लेना है। उसका दाता एक है, कोई मनुष्य के द्वारा ये नहीं मिलेगा, कोई देवता के द्वारा भी ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा परम पिता परमात्मा के द्वारा। तो परमात्मा तो एक है ना, परमात्मा के सब रूप परमात्मा के नहीं है, हा? ये समझना भूल है, परमात्मा परमात्मा है, ये तो सब आत्माएं है, हम उसकी सब संतान है। तो सब रूप परमात्मा कैसे कहेंगे, हा? वो परमात्मा तो निराकार है ना। तो ये सभी चीजों को समझना है, अभी उसी निराकार पिता से परम पिता से हमको अपना हक लेना है। लेकिन हक मिलेगा तभी जब उसकी हम आज्ञा पालन करेंगे। उसकी आज्ञा कौन सी है, हा? उसकी आज्ञा है तुम पवित्र रहो, पवित्र माना पांच विकार जो है ना उनको छोड़ो, तो फिर तुम पवित्र रहेंगे तो तुम्हारे कर्म अच्छे बनेंगे और अच्छे कर्म से फिर तुम मेरे स्वर्ग के लायक बनेंगे। लायक भी बनना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी स्वर्ग का ऐसा ही सुख प्राप्त होगा, उसको लायक बनना पड़ेगा। तो लायक का मतलब है कि हमको पांच विकारों को छोड़ना पड़ेगा। फिर विकार को छोड़ने के लिए तैयार हो, है? स्वर्ग का लेने के लिए तो कहा, हाँ अभी विकार भी छोड़ना पड़े ना, लेने के तो तैयार हो गए और छोड़ने को, है? तो छोड़ने को भी तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना।
बाकी ऐसा नहीं कहता है कि तुम घर बार छोड़ो, पति छोड़ो, बच्चे छोड़ो, नहीं वो नहीं छोड़ना है। बच्चे विकार नहीं है, पति विकार की बात नहीं, उसमें जो विकार है, विकार कौन से हैं मालूम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अहंकार, हाँ ये है पांच विकार। तो हमको देखो, देवताएं भी तो घर गृहस्थ में थे ना, देवताएं नहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर देखे है ना, तो देखो जोड़ी है ना, मर्द भी है और स्त्री भी है, दोनों थे परंतु दोनों निर्विकारी थे, बाल बच्चे भी थे परंतु निर्विकारी थे। तो अभी बाप कहते हैं कि ऐसे पवित्र रहने का अभी प्रतिज्ञा करो, अपना जीवन पवित्र बनाओ, तो पवित्र रहेंगे और मुझे याद करेंगे तो फिर मैं अपना स्वर्ग का तुमको अधिकार देऊंगा। तो अभी वो प्रतिज्ञा पालन करेंगे, जब ऐसा पवित्र बनेंगे तब फिर उस बाप का हम जो जायदाद की वो पा सकेंगे। तो अभी तभी मिलेगा, अभी क्या ख्याल है हा? अभी पवित्रता धारण करने का ये पर अपने को पुरुषार्थ रखना पड़े। अभी उसके लिए कहते हैं, मैं दोपहर के शिक्षा का ये कॉलेज खोला है ना, उसमें आओ और तुम आकर के सीखो कि कैसे हम घर गृहस्थ में रह कर करके पवित्र रहें। तो सिखलाने के लिए मैंने स्कूल खोला है। कौन बोलता है? परमात्मा। हमको भी वो पढ़ा रहा है, नहीं हम भी पढ़ रहे हैं। तो हमको सिखाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा निराकार। तो वो अभी सिखा रहा है, उसने ये कॉलेज खोला है, कहते हैं उसमें आकर करके तुम ये सीखो। कर्मयोग, राजयोग का है नहीं, राजयोग। तो राजयोग का मतलब है कि मैं ये जो योग और ज्ञान सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसे तुम ऐसे राजा बनेंगे कैसे, लक्ष्मी नारायण सीताराम जैसे, ऐसी राजधानी का अधिकार पाएंगे अर्थात सदा सुख का। तो अभी बाप बैठ कर करके समझा रहे हैं कि बच्चे अभी यहाँ मेरी कॉलेज में पढ़ो, ये उसकी कॉलेज है, उसने खोला है। तो अभी वो बैठ कर करके सिखा रहा है और फिर ये सीख कर करके फिर उस बाप का अधिकार पाना है। तो अभी सीखना पड़े ना, समझना पड़े ना इन बातों को, तो उसके लिए फिर थोड़ा टाइम देना पड़े। तब हमारा जो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म ऐसा कहते हैं, नहीं आप में भी कहते होंगे गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म, पति को भी कहा जाता है धर्म पति और पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी, परंतु धर्म अभी कहाँ है? पति पत्नी में धर्म कहाँ है? अभी तो विकार में है, है? तो विकार को धर्म थोड़ी कहेंगे, विकार को क्या कहेंगे? अधर्म, ठीक है ना। तो अभी है पति पत्नी का संबंध अधर्म का, अभी बदल कर कर करके धर्म का नाता बनाना है। धर्म का मतलब है पवित्र नाता, इसीलिए कहते हैं पवित्र बनाने से फिर तुम्हारा पवित्र चलेगा, अनेक जन्म जिसको जनरेशंस कहा जाता है, फिर तुम्हारे पवित्रता के बल से संतान भी जो पैदा होंगी ना, वो पवित्रता के बल से। अभी देखो विकारों से संतान पैदा करते हो तो संतानों में अभी वो बल नहीं रहा है, इसीलिए संसार दुख और अशांति में नीचे गिरता जा रहा है। तो अभी कहते हैं अभी पहले पवित्र बल लाओ अपने में, पीछे उस पवित्रता से जो संतान पैदा करेंगे ना, उस ताकत से, तो वो संतान सुख का होगा। देखो कृष्ण राम कितने अच्छे संतान थे, वो कैसे पैदा हुए? पवित्रता के बल से। तो कहते हैं अभी ऐसे संतान पैदा करो, परंतु ऐसे संतान पैदा करने के लिए पहले अपने में बल चाहिए ना, ताकत चाहिए ना, ऐसी अभी ताकत कहाँ है? इसीलिए कहते हैं भगवान परमात्मा परम पिता कि अभी ऐसी पवित्र जीवन बनाओ और अभी संसार में ऐसी प्रवृत्ति रखो और पवित्र संतान पैदा करो, फिर पवित्र संतान का संसार जो होगा सदा सुख का होगा। इसलिए आज गवर्नमेंट भी कहती है नहीं बर्थ कंट्रोल, हाँ अब बेचारी संभाल नहीं सकती है, हा? अब वो भी गवर्नमेंट, हाई गवर्नमेंट, हा? ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी कहती है विकार कंट्रोल। तो अभी कंट्रोल करना चाहिए, काहे के लिए कि अभी दुनिया बदलती है, अभी ये दुख की दुनिया बन बन कर करके अभी देखो है दुखी हो गए है। तो इसीलिए बाप कहते हैं अभी बाकी है, देखो उसके लिए अभी मौत की तैयारियां भी हो रही है, अभी ये दुनिया का बहुत संख्या बढ़ गई है ना, अभी ये संख्या कैसे कम होगी? तो उसके लिए देखो अभी मौत की भी तैयारियां है कुछ कुदरती आपदाओं से, हा? जैसे ये अर्थक्वेक, फ्लड्स, उसको भी कुछ ये लोग अपनी भाषा में कहते होंगे का भूकंप, हाँ ये सब होते हैं ना इत्वाक, जिससे भी देखो बहुत मौत होता है। तो ये अभी बहुत जोर से होने के है सब कुछ, इसीलिए अभी परमात्मा कहते हैं अपने को अभी पवित्र बनाओ, तो फिर जो तुम्हारी दुनिया रहेगी ना सदा सुख की रहेगी।
तो अभी अपने को सुखी बनाने का साधन समझा कौन सा है, कैसे हम अपने को सुखी रखें पवित्र रहने से। तो अभी अपने को पवित्र कैसे रखें, अपनी यहाँ गृहस्थी में रह कर करके किस तरह से हम पांच विकारों को छोड़े, उसके लिए देखो ये रोज यहाँ शिक्षा उसकी मिलती है और उसके लिए ये नॉलेज है। तो उसके फिर लिए आप जब आएंगे थोड़े सुनेंगे समझेंगे तभी तो फिर उसी प्रैक्टिकल जीवन को बना सकेंगे ना। तो ऐसी जीवन बनाने का ये पुरुषार्थ। और इसमें क्या अभी डिफिकल्ट है बताओ, कोई है डिफिकल्ट बात? कुछ नहीं है, बाकी यह सहज है और अपना जीवन को उसी तरह से रखते चलना है। तो ऐसी सहज बातों को हाँ क्यों नहीं धारण करते हो है? फिर क्या है, क्या डिफिकल्टी आती है? नहीं तो सुनाओ कि हाँ मामा हमको ऐसी डिफिकल्टी है, हम इसी कारण नहीं कर सकते हैं, तो आपको रास्ता बता देंगे, राय देंगे कि कैसे करो है? बाकी इसमें है नहीं कुछ आकर के समझना है। और ऐसे हमारे बहुत है घर गृहस्थ में रह कर करके अपनी जीवन बना भी रहे हैं। हाँ जो यहाँ आते हो रोज उनको मालूम है कि कैसे घर गृहस्थ में रह करके बहुत है। यहाँ बेंगलोर में थोड़े हैं, दूसरे भी अपने बहुत है ना केंद्र जहाँ आते हैं और बहुत अपनी जीवन बना रहे हैं। उसमें डरने की तो है नहीं कि हम घर बार छोड़ना पड़ेगा, बच्चे कैसे संभाले, बच्चे तो संभालना ही है, इन बिचारों का भी तो कल्याण करना है ना। तो माता पिता में ज्ञान होगा तो बच्चों का भी कल्याण होगा, माता पिता में ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा? तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी ना, तो ये तो अच्छा ही है। परंतु ये सब ज्ञान कैसे धारण करे उसको तो आकर के समझना पड़ेगा ना। तो इस बातों को समझो और फिर अपना जीवन बनाओ। बाकी तो ऐसे ही बच्चे पैदा करना घर गृहस्थ संभालना वो तो जनावर भी काम करते हैं, करते हैं ना। चिड़ियाएं हैं, चिड़ियाएं भी घर बनाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, उसको खिलाती हैं पिलाती हैं, जाती हैं बिजनेस करती हैं, ले आती हैं खाना फिर खिलाती हैं, नहीं करती हैं? जितना काम तो वो भी करती हैं, मनुष्य ने भी इतना ही काम किया तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है नहीं। तो जितना जनावर काम करे मनुष्य भी उतना ही काम करे तो क्या हुआ हा? तो जनावर से भी बदतर है। मनुष्य को जो बुद्धि मिली है उसे तो ऊंचा काम लेना चाहिए। कहते ना मनुष्य जन्म बहुत ऊंचा है, तो ऊंचे से ऊंचा काम लेना चाहिए कि वो सादा काम लेना चाहिए है जनावरों वाला? वो तो वो भी कर लेते हैं ना। तो खाली इतना ही काम नहीं है जिंदगी का, जीवन का, जीवन बहुत ऊंची चीज है और उसे ऊंचा काम लेना चाहिए। इतने ही खाली गृहस्थ के फर्ज जो है वो इतने नहीं है। वो समझते हैं हम फर्जों को पालन करते हैं, ये फर्ज तो चिड़िया भी पालन करती है, मनुष्य ने पालन किया तो क्या बड़ी बात है। हमारी जिंदगी के अथवा जीवन के फर्ज कितने ऊंचे हैं उसको समझना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। फिर क्या विचार है हा? खाली सुनेंगे है खाली समझेंगे दर्शन करें देखें बस, देखने से कोई हो जाएगा हा? कोई डॉक्टर को देखने से डॉक्टर हो जाएगा है? नहीं, उसको समझना है नहीं, वो तो डॉक्टरी नॉलेज पढ़ना है समझना है फिर ऐसा बनेंगे। तो बनने के लिए तो फिर समझना पड़े नहीं, बातों को समझ कर करके पुरुषार्थ करना पड़े। और दोनों ही नर नारी दोनों समझ सकते हैं, बाल बच्चे हाँ सभी, सब आत्माओं को अधिकार है पिता से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना। ये बच्चे भी अपना बाप से वर्षा पा सकते हैं, ये तो इतना इजी ज्ञान है। तो बच्चे को भी अपने पिता का पता देना है कि तुम्हारा असली पिता कौन है हा? जैसे ये बच्चे को सुना तुम्हारी ये माँ है तो उसको पता नहीं लग जाता ये मेरी माँ है हा? ये हमारा डैडी है, ये मम्मी है, जल्दी बैठ जाए तो वो हमारा असली डैडी कौन है हा? वो है परम पिता। तो उनको अगर पता पड़े कि मैं आत्मा हूँ मेरा पिता वो है तो देखो उसकी बुद्धि भी उसे लग जाए तो इसका भी कल्याण हो जाए। तो ये इतना इजी ज्ञान है, बच्चा भी समझ सकता है, बुढ़ा भी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो इतना इजी बात को इसमें और तो कोई मेहनत करने की नहीं है, ना कोई आसन लगाना है, ना कोई कुछ आंखें लगा के बैठनी है किसमें, कुछ नहीं, खाली काम करते और बुद्धि की याद रखने की, बहुत इजी, खाली उनको समझना है। पर पता नहीं क्या है अभी क्यों ऐसी सहज बात में क्यों नहीं समझते हैं ये सब भाषा। समझते हैं आप लोग हिंदी भाषा समझते हो? कुंज कुंज थोड़ी थोड़ी ये थोड़ी थोड़ी समझते हैं हिंदी भाषा समझते हो?
नहीं। ओहो देखो अब क्या, अभी देखो भाषा भी बिचारी, भाषाएं कितनी सीखे हैं, बहुत भाषाएं हैं, इसीलिए भाषा का अभी आप लोगों में से कोई समझ जाए तो फिर अपनी भाषा में समझा सके। हा? अभी आओ थोड़ा थोड़ा समझो, पीछे आपकी भाषा अपनी भाषा में समझ के तो दूसरों को समझाओ, तो आप लोग देखो अच्छी सेवा करेंगे। देखो अभी देखो इंदिरा नेहरू, हाँ विजय लक्ष्मी नेहरू की है ना वो, हाँ नाम तो सुनते होंगे अखबारों में, हाँ तो देखो वो लोग देश की सेवा करते हैं ना, बच्चे दोनों को भी है, बच्चों की भी करते फिर देश की भी सेवा करते, परंतु देश की सेवा देखो बहुतों की सेवा करने से उतना फल मिलेगा, तो ये भी करना चाहिए ना, खाली बच्चों की संभाल में थोड़ी जिंदगी दे देना है, उसके साथ ये भी काम करना चाहिए, अपना जीवन भी सफल बनाना चाहिए और दूसरों का भी जीवन सफल बनाना चाहिए। जैसे सोशल वर्कर्स होती है ना, फिर जनता की भी सेवा करती हैं, तो आप लोग भी समझो और जनता की भी सेवा करो तो जीवन कुछ अच्छी बने, सफल होवे, बाकी ऐसा ही खाली जीवन आया खाया पिया बस गया, बस यही काम है, यही जिंदगी है, हाँ इसको थोड़ी जीवन कहेंगे, तो थोड़ा समझो उन बातों को और अपनी जीवन अच्छी बनाओ, तो अच्छी जीवन से अच्छा फल मिलेगा। अच्छा आप लोगों को देरी होती होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ दूर जाना होता होगा, इसीलिए हाँ इन्हों को सवेल छुट्टी देनी चाहिए, हाँ तो दूर जाएंगे, परंतु हम तो कहेंगे आप आते रहो, खाली आज नहीं पर आओ, हम अभी है इधर थोड़े रोज, हाँ आप लोगों के लिए रहे हैं, हाँ कि कुछ समझे, फिर आप लोग आओ कुछ सुनो कुछ समझो और कुछ अपना बनाओ, नहीं तो फिर आ वो भी टाइम आएगा, अभी कहेंगे टू लेट, हम इतना मेहनत करते थे सुनाते थे कोई सुनते नहीं थे, आप ये बहुत समय भारी आएगा आगे चल करके, इसलिए आप लोगों को राय देते हैं कुछ टाइम लेकर के आओ और आकर करके समझो, फिर इधर कोई कहेंगे हमको इधर सहज पड़ता है, हम एक को इधर रखेंगे, हाँ पर वो इधर समझाएंगे, लेकिन कोई समझने वाले हो ना, कुछ अपना अटेंशन रखो समझने की कोशिश करो। अच्छा देखो ये समझने की बातें है ना तो सुननी पड़ती है, बाकी ऐसा ही नहीं खाली दर्शन किया दूर से ही, हाँ उसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें समझना है, इसीलिए जरा पूछना पड़ता है कि समझते हो, ये खाली यहाँ दर्शन वाली तो चीजें नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल समझ कर करके प्रैक्टिकल अपना जीवन बनाना है, हाँ इसीलिए सुनना है समझना है, खाली सुनना भी नहीं है, हाँ समझना है, खाली समझना भी नहीं है, समझना माना प्रैक्टिकल में लाना, हाँ एक्शंस में लाना, तो जो समझा है वो एक्शंस में लाना है, एक्शंस माना कर्मों में, और कर्म में ला कर करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, फिर कर्म में लाते हो ना, हाँ अच्छा कर्म में लाएंगे जितना उतना आप अपना बनाएंगे, और जो करेगा सो पाएगा, ऐसे नहीं है कि ये पुराना है मैं तो पीछे आया हूँ, ये पुराना का अभी क्या अवस्था बनी है, तो एक दो को गुण करना है, अवगुण नहीं उठाना है कि ये पुराने में तो कम ज्ञान है हम तो पीछे आए हैं हम यही नहीं बनाए, ऐसा नहीं, जो करेगा सो पाएगा, हमको तो हरेक से अच्छा गुण लेकर के हमको अच्छा बनना चाहिए, तो हरेक को अपने को देखना है समझा, और बाप जो फरमान करता है उसका पालन करना है। स्टूडेंट होते स्कूल होता है ना, स्कूल में देखो कोई नंबर वन आता है कोई मार्क्स कम लेता है कोई फेल भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है ना, तो ये भी स्कूल है, स्कूल में कोई नंबर आगे होगा कोई पीछे भी होगा, तो हमको पीछे वालों को थोड़ी देखना चाहिए, हाँ हमको देखना चाहिए जो आगे है, जो स्कॉलरशिप भी लेते हैं जो आगे आगे बढ़ते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, बाकी ऐसे नहीं भाई ये तो फेल हो गया तो है इसने क्या उठाया, नहीं अगर हम फेल को देखेंगे हम भी फेल हो जाएंगे, हाँ? तो हमको फेल तो रहे तो फेल वालों को नहीं देखना चाहिए, हमको देखना है कि जो जो आगे हैं उन्होंने अपनी जीवन क्या बनाई है हम भी बनाए, तो स्टूडेंट इसको कहा जाता है, बाकी ऐसे नहीं सारा दिन अवगुण ग्रहण करे इतने इतने बरस पड़े इन्होंने क्या उठाया इन्होंने ना उठाया समझो तो हम उठाए ना, जो करेगा सो पाएगा, वो तो गीता में भी है जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है, बाकी हमको औरों को क्या देखना है, तो ऐसी सभी बातों को समझना है, और फिर भी कोई को न समझ में आए ना तो फिर टाइम लेकर करके आकर के समझ सकती है, कोई भी न समझ में आए किसको तो पूछ भी सकते हो समझ भी सकते हो। अच्छा अभी दो मिनट साइलेंस करो, हाँ परम पिता को याद करो, हाँ दो मिनट साइलेंस करो, पीछे फिर इन्हों को हाथ तोली देना नीचे, हाँ अच्छा।
अभी याद करो अपने पिता को, हाँ पिता को जान के याद करना, ऐसे नहीं कैसा भी करे, हनुमान के रूप से करे, गणेश के रूप से करे, कैसे भी करे ना, वो कहता मेरा जो रूप है ना वो जान के याद करो, मैं हूँ वो ज्योति रूप, तो मुझे समझ के याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा समझ के याद करो। तो वो फिर आएंगे आप लोगों को समझाएंगे, पुराने तो जो सुना है उनको तो पता है, जो नए है उनको फिर समझना है। अच्छा 2 मिनट साइलेंस है।